हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे आज का आर्टिकल आया है, द रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज पुलिस फोर्सेस। अब इसका सब टाइटल देख लेते हैं। व्हाट टच द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट नोट अबाउट द गैप बिटवीन सैंक्शन एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ इन पुलिस फोर्सेस नेशनल लेवल। उनका कहना है कि अभी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा एडिशन है उसका उसमें क्या गैप बताया गया नेशनल लेवल पे पुलिस फोर्सेस के एक्चुअल स्ट्रेंथ और उसके सैंक्शंस स्ट्रेंथ पे। तो विच स्टेट हैज बैग्ड द टॉप रैंक अमंग स्टेट्स विद पॉपुलेशंस ओवर 10 मिलियन विद रेस्पेक्ट टू फुलफिल द वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफ वुमेन एंड SST। मतलब पुलिस में कहाँ, पुलिस फोर्सेस में किस स्टेट में कहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं इस चीज़ पे बात कर रही हैं, और लार्जर सिटी में भी। तो इस में शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो ऑन ए नेशनल लेवल इट विल टेक अनदर 24 ईयर्स टू हैव 33% वुमेन इन पुलिस फोर्सेस अक्रॉस स्टेट। अब राज्यों में 33% महिला पुलिस बल होने के लिए बोल रहा है कि अभी और 24 साल लगेंगे। दीज फिगर्स आर ए पार्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो आया था उसकी उसी का पार्ट है ये रिपोर्ट। रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट के द्वारा 2004 अप्रैल को इसको रिलीज किया गया। इट रैंक्स पुलिस फोर्सेस ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स सच एज वैकेंसीज एज अगेंस्ट द सैंक्शंस स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन शेड्यूल SC स्टेट कम्युनिटीज एंड सो ऑन। ये कई पैरामीटर के आधार पे रैंकिंग करता है राज्यों में पुलिस फोर्स का। तो उसमें पैरामीटर सब ये सारा है, आपका जो उसका स्ट्रेंथ क्या है, वुमेन पार्टिसिपेशन, SC ST पार्टिसिपेशन। ये ओवरऑल अभी अगर कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो तेलंगाना पुलिस हैव बैट द टॉप रैंक अमंग स्टेट्स विद पॉपुलेशन ओवर 10 मिलियन। 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्यों में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर तेलंगाना पुलिस ने जो है ना रैंक 1 पाया है पुलिस फोर्सेस में। वेल वेस्ट बंगाल हैज बिकम लास्ट, कम लास्ट, तो वेस्ट बंगाल लास्ट है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ पुलिस वैकेंसी। थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट नोट्स द गैप बिटवीन सेंसेशन स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस एट नेशनल लेवल। तो वो सैंक्शन एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस एट नेशनल लेवल, तो इनके भी जो गैप है ना, तो ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी जो उसका थर्ड एडिशन आया है तो उसका ये कहना है। मतलब जितना आप स्वीकृत माने हैं कि एक्चुअल में पुलिस का स्ट्रेंथ ये होना चाहिए और एक्चुअल में कितना भी है नंबर के मामले में, पुलिस फोर्सेस के नंबर के मामले में नेशनल लेवल पर, तो वो है रिमेंस ओरिंगली लार्ज। और ये उसमें बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा गैप है, क्योंकि आप स्वीकृत किए हैं कि इतना नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस होना चाहिए और अभी कितना है। तो दैट मीन्स वैकेंसी इज वेरी हाई एज पर द रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स बिटवीन जनवरी 2020 सेकेंड एडिशन एंड जनवरी 2022। मतलब जनवरी 2020 से जनवरी 2022 के बीच का अगर हम देखा जाए तो रिपोर्ट के फाइंडिंग के अनुसार ओवरऑल वैकेंसी पुलिस रोज फ्रॉम 20.3% ऑफ द सैमसन स्टैंड टू 22.1%। मतलब जितना स्वीकृत पद था उसमें से पहले 20%, लगभग 20% की कमी थी, वैकेंसी थी, अब 22% हो चुकी है। द रिपोर्ट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम वेरियस ऑफिशियल सोर्सेस फॉर 25 स्टेट्स, डिवाइडिंग दैम इंटू टू क्लस्टर्स, 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स इवन एंड 7 स्मॉल साइज स्टेट्स। इसको 18 बड़े और मध्यम साइज के स्टेट्स और 7 छोटे साइज के स्टेट्स में डिवाइड करके उन्होंने रैंकिंग किया है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन फॉर अनरैंक स्टेट्स एंड उनके बारे में भी सूचना देता है जिस राज्यों में इन्होंने रैंक रैंकिंग नहीं किया है, इंडियन टेरिटरी के बारे में रैंक नहीं किया है। द केस ऑफ पुलिस कॉन्स्टेबल्स एज ऑफ जनवरी 2022 वाइल वेस्ट बंगाल वाज द वर्स्ट परफॉर्मर अमंग द लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स विद वैकेंसीज अमाउंट 44%। वेस्ट बंगाल में पुलिस कॉन्स्टेबल्स की वैकेंसी 44% जो सबसे ज़्यादा है सारे बड़े राज्यों में से।
एंड केरला वाज एट द टॉप विद द कंसिडरेबल वैकेंसी मेकिंग। और केरला में वैकेंसी बहुत कम है, लगभग 4.6% वो टॉप पोजीशन पे रहा है। तो अब सेंसेंस एज फॉर पुलिस ऑफिसर्स एंड सिविल एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड फोर्सेस आर्म्ड रिजर्व पुलिस, बिहार हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात किया जाए, कांस्टेबल की बात तो हमने देखा कि 44% वेस्ट बंगाल में है और 4% लगभग केरला में, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वेस्ट बंगाल में हुआ। लेकिन पुलिस ऑफिसर जिसमें आपका सिविल ऑफिसर भी आते हैं और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व फोर्स भी आते हैं, CAPF समथिंग और जो भी होते हैं, तो ये बिहार ने सबसे ज़्यादा वैकेंसी को किया है। यहाँ पर 53.8% वैकेंसी यहाँ पाया गया है। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशंस दैट सम स्टेट्स ब्रिंग डाउन देयर सक्सेस स्टैंड। और रिपोर्ट ने ये भी बोला है कि कई राज्य अपनी जो वैकेंसी को वो कम भी कर रही है, एंड विच कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड वैकेंसी लेवल, जो धीरे धीरे मतलब वैकेंसी लेवल को कम करती जा रही है। फॉर इंस्टेंस 2020 टू 2022, 2020 से 2022 के बीच अगर देखा जाए तो केरला रिड्यूस द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सिविल पुलिस टू पुलिस बाय 239%। मतलब केरल जो है ना, सिविल पुलिस को की जो भी मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो स्वीकृत स्ट्रेंथ थी वो 239% तक उन्होंने कम कर दिया है जो वैकेंसी था, रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन वैकेंसी, और उससे वैकेंसी कम हुई है। हाउ मेनी स्टेट्स फुलफिल देयर कोटाज फॉर वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटी डिस्पाइट ईयर्स ऑफ रिजर्वेशन? आरक्षण के वर्षों के आरक्षण के बावजूद कर्नाटका वाज फाउंड टू बी ओनली स्टेट टू मीट इट्स SC/ST एंड OBC एंड विथ नो अदर स्टेट यूटी मैनेजिंग टू मीट ऑल द थ्री ऑफ देयर रिजर्वेशन टारगेट। SC/ST और OBC के जो रिजर्वेशन टारगेट केवल कर्नाटका ने मीट किया, कोई बाकी स्टेट ने नहीं किया। अमंग लार्ज मिड्स आए, अगर आप बड़े राज्यों में देखें तो गुजरात जो है वो एट 131% परफॉर्म द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्चुअल SC पुलिस ऑफिसर्स इन रिजर्वेशन कोटा। गुजरात ने बहुत बेस्ट काम किया है SC पुलिस ऑफिसर के, और जबकि उत्तर प्रदेश ने बहुत ही खराब काम किया, क्या लास्ट जस्ट 43% SC ऑफिसर्स अगेंस्ट इट्स कोटा। अगर मान लिया जाए 100% कोटा में अगर देखा जाए SC ऑफिसर्स की नियुक्ति, तो जस्ट 43% में ही उसकी आगेदारी हो पाई है। एज फॉर द कॉन्स्टेबलरी वर्कफोर्स, कॉन्स्टेबल जो है उसकी वर्कफोर्स को देखें तो कर्नाटका में 116% SC कॉन्स्टेबल की नियुक्ति की गई है अगेंस्ट उसके कोटा से भी ज़्यादा। एंड हरियाणा हैड द लोएस्ट। एज अ स्मॉल स्टेट्स गोवा एंड सिक्किम वेयर द बेस्ट परफॉर्मर्स फॉर द परसेंटेज ऑफ SC ऑफिसर्स एंड कॉन्स्टेबल्स। SC ऑफिसर में कॉन्स्टेबल के मामले में उसके परसेंटेज के मामले में सबसे बेस्ट परफॉर्मर गोवा और सिक्किम रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग रिजर्वेशन फॉर ST के रिजर्वेशन में उनके मामले में कर्नाटका ने अच्छा परफॉर्म किया है। और आगे देखें तो गोइंग बियॉन्ड इट्स रिजर्व रेशियो, मतलब रिजर्व रेशियो से भी बियॉन्ड गया, पर ST का जो बिहार फुलफिल कोटा 278%, वायल बिहार ने ST के लिए कोटा को 278% तक फुलफिल किया है। पंजाब एकदम लास्ट जहाँ पर 0.01% वहाँ पर फुलफिल हुआ है। व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन टू पुलिस फोर्स, मोस्ट स्टेट्स हैव देयर स्पेसिफिक कोटाज फॉर हाउ मेनी वुमेन्स देयर शुड बी इन द पुलिस। मतलब वुमेन के रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पुलिस फोर्स, तो अधिकतर राज्यों के क्या है ना कि वो अपना ही कोटा है, ऐसा कोई नेशनली डिटरमाइंड कोटा नहीं है कि हाँ एक डेफिनेट लेवल ऑफ डेफिनेट परसेंटेज ऑफ पुलिस फोर्सेस मस्ट इंक्लूड वुमेन ऑफिसर्स, तो वहाँ अपना अलग ही राज्यों के अनुसार डिसाइड होता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो 6 UT एंड 9 स्टेट्स हैव टारगेट ऑफ 33%, 6 यूनियन टेरिटरी और 9 राज्यों का टारगेट है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। एंड व्हाइल टारगेट्स रेंज फ्रॉम बिहार 35% टू 10%, बिहार में 35% से 10% का वो टारगेट
बिहार में आप देखिए महिलाओं का रिजर्वेशन का जो ये है रिप्रेजेंटेशन वो 35% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 10% है, मेघालय त्रिपुरा ये सब 5 स्टेट्स और यूटी इंक्लूडिंग केरल मिजोरम हैज नो रिजर्वेशन। केरला में देखिए, मिजोरम में देखिए, इन राज्यों में महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। एज पर फाइंडिंग्स नो स्टेट विच हैड 33% क्राइटेरिया मैनेज्ड टू मीट। रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि जो जिस राज्य का 33% का क्राइटेरिया नहीं है वो मैनेज करते हैं इसको प्राप्त करने का। हाउएवर अमंग लार्ज एंड मीडियम स्टेट्स आंध्र प्रदेश विच रिजर्व 33% ऑफ पुलिस पोस्ट फॉर वुमेन। आंध्र प्रदेश जो 33% पुलिस पोस्ट को रिजर्व करता है वुमेन के लिए, परफॉर्म विद बेस्ट 21.8% उसका परफॉर्म किया है एंड शेयर वुमेन का पुलिस फोर्स में हुआ है। झारखंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है विद इट्स शेयर ऑफ वुमेन इन पुलिस फोर्स जस्ट 6.2%। पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी मात्र 6.2% रही है। इन स्मॉल स्टेट्स हिमाचल प्रदेश एज वाज एट द टॉप। अगर छोटे राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश टॉप में रहा है, इसमें 14% पुलिस पर्सनल जो है ना वो वुमेन है एंड त्रिपुरा एकदम लास्ट में रहा है, वहाँ पर 5.3% वुमेन पुलिस फोर्स रही है। अमंग यूनियन टेरेटरीज लद्दाख 28% है वुमेन और जम्मू कश्मीर में मात्र 3%। तो ये डेटा रही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, और वो अब यहाँ पर कुछ इसकी लिस्टिंग भी दे दी गई है, तो आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं वही जो रिपोर्ट आया है। That's all. The editorial has been completed now.